हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जंगल था उसमें एक गाय रहती थी। एक गाय रहती थी, वो गाय अकेली थी। गाय अकेली थी, गाय माँ बनने वाली थी। रोज़ शिव जी के मंदिर के सामने बैठती थी और जाके और पगराती थी और शिव जी से बातें करती थी। शिवलिंग, वहाँ एक शिवलिंग था मंदिर में, उस शिवलिंग से बातें करती थी पगरा पगरा के, और कहती थी, भगवान मुझे आप मदद कीजिएगा तो जब मैं बछड़े दूंगा तो आपको दूध दूंगा। भगवान भी सोचते थे कि गैया बछड़ा देगी तब मुझे दूध देगी। भगवान का भी आशा लगा हुआ था, इसको भी लगता था कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, भगवान को हम ज़रूर दूध पिलाएंगे। और ऐसा ही करते करते जब समय आया तो एक सुंदर सा बछड़ा दी गैया, सुंदर सा बछड़ा दी तो शंकर भगवान भी खुश हो गए। शंकर भगवान खुश हो गए, लेकिन गैया कहने लगी, भगवान हम तो ज़रूर दूध देंगे लेकिन मेरा गैया का दूध दूहे, मेरा दूध दूहेगा कौन? कोई तो है नहीं कि वो मेरा दूध दूह लेगा, दूध दूह के और आपके शिवलिंग पर हम चढ़ा दें। शिव भगवान बोले, देखो गौ माता, देखो ये सृष्टि का रचना है। तू जो है, जो तू मेरे शिवलिंग के सामने आ जाएगी तो तेरा दूध मेरा शिवलिंग पे अपने आप गिर जाएगा। तू मेरा मंदिर में हेलेगी तो मेरा मंदिर का गेट बहुत बड़ा हो जाएगा, तू निकलने गई तो छोटा हो जाएगा। गैया सोची, अरे ये तो बड़ी खुशी का बात है। गैया जब बछड़ा दिन का 20 दिन हो गया, 20 दिन जब हो गया तो गैया मंदिर में घुसी। मंदिर में घुसी तो बहुत बड़ा गेट बन गया, बहुत बड़ा गेट बन गया, और जाके शिवलिंग के सामने अपना थान को कर दी और दूध जितना चाहिए उतना शिवलिंग पे गिर गया, गिर गया। उसके बाद अपने बच्चे को आकर पिला दी गाय, गाय पिला दी अपने बच्चों की। इसका बच्चा भी पोसा रहा था और शिव जी के भी प्रतिदिन दूध देती थी, प्रतिदिन दूध देती थी। शिव जी भी बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि जिसका कहना नहीं। और उनका जो नाग था, वो नाग प्रतिदिन गैया के रखवाली करता था, गैया के रखवाली करता था। प्रतिदिन जिधर जिधर गैया जाती थी उधर उधर वो नाग पूरा घूम घूम के जाता था और गैया के रखवाली करता था, गैया के रखवाली करता था। एक दिन का बात है कि बेचारी अपने पेट भरने को लिए घास चरती थी जंगल में, उसका ना ही कोई रखने वाला था और ना ही कोई देखने वाला। वो गैया घास चरती थी, गैया जब घास चरती थी तो गैया बहुत दूर चल गई जंगल में चरने, घास चरने को लिए बहुत दूर चल गई, इतना दूर चल गई, इतना दूर कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उधर सिर्फ बाघ ही रहता था, बाघ रहता था, उधर गैया चल गई। गैया जब चल गई तो गैया चर रही थी तो बाघ का नज़र पड़ गया। जब बाघ का नज़र पड़ गया तो गैया देखी तो गैया डर गई कि अरे आज तो मेरा खा जाएगा, हे भगवान मुझे बचा लो, भगवान हे भगवान मुझे बचा लो, मेरा बच्चा मर जाएगा भूखे, मैं क्या करूं, हे शिव गुरु मुझे बचा लीजिए। ऐसे करके मन ही मन ये जाप कर रही है, भगवान के याद कर रही है। बाघ सामने आ गया, बाघ नर था, बाघ सामने आ गया और बाघ सामने आ गया और गाय के बोल रहा है कि हम तुम्हें खा जाएंगे। ये गैया कहती है, बनमा में रहली भैया दिनमा बितावली हो, बछड़ा न देलिए ललस हमार। अरे लबड़ी रे ललसवा भैया अपनो लड़ी कवा हो, तनी सखातिर जाई दा हमार, लड़िका के देखे के आई वही दूधवा पिलाए भैया।
पान हम देखे के अइबई। कह रहा है कि हे भाई, बड़ी ललसा से हम एक बछड़ा दिए हैं, वो बछड़ा को हम कैसे त्याग दें? बड़ी ललसा और बच्चा आस देखेगा, हम बच्चा के बता देंगे और दूध पिला के आ जाएंगे तुम्हारे पास। ये बाघ जो था, वो बाघ कहती है, हमारो दर्दिया बहना तू नहीं जाना लू हो, भूखवा के मातल जियरा मोर, हम ना छोड़वो करवो, आज करवो भोजन तोहार, तू माँ तू जाहू। करा कि तू नहीं जानती हो, मेरा भूख से जाम तड़प रहा है और तू कह रही हो हम जाएंगे बछड़े को पिलाने। ये गाय कहती है, ठीक है भाई, आज नहीं मैं कल आपके पास जरूर आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे भोजन कर लेना, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये गाय कहती है, बाघ बोला, तो ठीक है चले जाओ, लेकिन कल के जरूर आ जाना, यदि नहीं आओगे तो तुम्हारे जगह पे आकर और तुम्हें भी मैं खा जाऊंगा और हम आके और तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगा। लेकिन सारा समय में नाग इसको रक्षा करता था, उस जगह पर नाग नहीं पहुंचा, नाग नहीं पहुंचा, नाग पीछे था। जब गाय मुड़ के भागी भागी आ रही है तो नाग देखा शंकर भगवान के नाग, तो बोला, गाय तू कहाँ गई थी? गाय ने सच्चे नहीं बताई कि यदि नाग डांस लेगा उससे शेर को तो नाग वो शेर मर जाएगा, इसलिए इसको बताने से क्या फ़ायदा, कल समय से आ जाएंगे, ये मेरा मुझे खा देगा, खा लेगा, भोजन कर लेगा, उस वो भी बहुत भूखा है, उसका भी पेट भर जाएगा। ऐसे ही सोचते और गाय बेचारी जा रही है अपने स्थान पे। जब स्थान पे गई तो बच्चा दूध पीने लगा तो इसके आँख से आंसू गिरने लगा। जब आंसू गिरने लगा तो ये कहती है, बच्चा, माँ तू रोज आती थी तो मुझे हंस के दूध पिलाती थी, अब आज तू क्यों रो के दूध पिला रही हो माँ, मुझे तो बताओ। बोला, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, कल सुबह को बताएंगे। बछड़ा बोला, अगर जो तू नहीं बोलेगी तो हम दूध नहीं पिएंगे। बछड़ा दूध को छोड़ दिया। जब दूध को छोड़ दिया तो ये गाय कहने लगी रो रो के, बड़ी रे जतन माँ बेटा तोरो दिली जला मिया हो, अरे सच जियारा कहलो न जाए कैसे कहिए बेटा, रहिया में मिल लइए का नारा बघवा हो, ओ कर जियारा कठोर हमारा खाही जैतन एही से गिरे नैना लोर। ये कह रही कि एक नर था है वही मुझे खा जाएगा, अगर जो बाघिन रहती तो उसको ममता लगता, लेकिन उसको बिल्कुल ममता नहीं है। बछड़ा बोला, माँ हम भी चलेंगे माँ तुम्हारे साथ। ये कहती है गैया, नहीं बेटा तुम्हें खा जाएगा। बोला, माँ जब तू नहीं तो मैं कहाँ, मैं भी तो एक दिन भूखे मर जाएंगे माँ। ये क्या किया बछड़ा, माँ से आगे आगे वो कूदता उछलता वहाँ पर उस जगह पर पहुँच गया, उस जगह पर पहुँच गया और पूरा चिल्लाने लगे मार बेटे दोनों, पूरा आ, 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 पूरा चिल्लाने लगे। बाघ उधर से गूंजता हुआ आया, बाघ गूंजता हुआ आया और ये गैया कह रही है कि बाघ भाई मुझे खा जाओ, अब हम अपने बच्चे को भी लेकर आए हैं, मेरे बच्चे को मत मारना। ये कहता है कि नहीं तुम्हारा बच्चे को पहले खाएंगे। ये बोला, हाँ हाँ, बच्चा बोला, हाँ हाँ मुझे खा लो, मुझे खा लो, उसके बाद मेरे माँ को खाना। गाय कहती है, नहीं बाघ भाई मुझे खा जाओ, पहले मुझे खा जाओ, ऐसे करके पूरा रिकटने लगी। लेकिन बछड़ा जो था सो पूरा छलांग मार के और उसके मुंह के सामने चल गया, मुंह के सामने चल गया और बोला, भाई मुझे खा जाओ, बाघ दादा मुझे खा जाओ और मेरी माँ को छोड़ दो। बाघ ने हाथ जोड़ दिया, बाघ ने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के और कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों के आहार करेंगे, लेकिन पहले माँ को तब बच्चे को, बैठ जाओ दोनों। दोनों बैठ गए, इतना ही में नाग पहुँच गया।
नाग पहुंच गया और बछड़े को पहले सिर पर पूरा छत छोड़ दिया और बोला कि ये शिव का शिष्य है, सेवक है, तू ऐसे खा जाओगी, पहले तुम मुझसे सामना करो। क्या खाना चाहती हो? बाघ ने गूंजता हुआ नाग को देखकर डर गया, डर कर बोला, नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा। नाग, मुझे छोड़ दो, जान बकस दो, मुझे छोड़ दो, तू यहाँ क्यों आया है? ये नाग बोला, मुझे ये रोज़ दूध पिलाती है और शिव गुरु का रोज़ दूध देती है, इसीलिए मैं इसके रक्षक बन के आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इसे खाने वाले हो, इसीलिए हम खोजते खोजते इसे के पीछे पीछे आया हूँ। बोलो, इसे मारोगे? बाघ ने पूरा सिर पटकने लगा धरती पे, और धरती पे सिर पटक के पूरा गूंजने लगा, पूरा चिल्लाने लगा और अकड़ने लगा और कहने लगा, हे भाई, हम मैं इनसे नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जान बकस दो, मेरा नागदेव। ये जान तो बकस दिया, नागदेव तो उसे नहीं खाएं। बाघ भी माँ और बच्चे का दोनों में कोई किसी को नहीं खाया और बोला कि चलो हम यहाँ से तुम्हें थोड़ी दूर पहुँचा देते हैं। थोड़ी दूर पहुँचाने आया तो बाघ धीरे से झटके से कान में कह रहा है, तूने तो एक नाग लेकर सहारा चलती हो, मुझे नहीं पता था, यदि पता रहता तो तुमसे हम ऐसा बात नहीं कहते। बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसी जंगल में तू भी रहना और मैं भी रहूँगा, एक तरफ मैं एक तरफ तुम, कभी मुझसे वैसा नहीं भूल होगा बहन। और ऐसा कह के और बाघ थोड़ी दूर आके छोड़ दिया। नाग जो था वो बछड़े का और गाय का दोनों का साथ में लेकर चलाया, दोनों का साथ में लेकर चलाया अपने जगह पे, और शंकर भगवान से सारी बातें बताया, शंकर भगवान से बताया। शंकर भगवान बोले, वो भी वाहन तो मेरा ही है, कोई और नहीं है, उसे भी तो, उसको भी तो हम ही रचना रचाए हैं, वो भी तो नहीं खाता, छोड़ देता। नाग बोला, नहीं महाराज, इन दोनों को हमने बचाए हैं, नहीं छोड़ता। और गैया जो थी जाके शिव जी के सामने अपने प्रणाम किया और बोला, महादेव, आप मुझे नहीं बचाते तो गाय मुझे, आज बाघ मुझे खा जाता, आप यदि अपने शेष नाग को नहीं भेजते तो मुझे कौन बचाता। गुरु भाई बहन, शिव गुरु बहुत दयालु हैं, किस रूप से खड़ा होते हैं वो नहीं जानते हैं। लोगों कहते हैं कि आज इसे ऐसे हो गया, लेकिन एक अनजान व्यक्ति जाकर उसको जान बचा लिए, लेकिन उसे भगवान भेजते हैं किसी रूप से ना किसी रूप से। इसीलिए गैया के सहारे को लिए, गैया को बचाने को लिए भगवान नाग को भेजे और गैया को बचा लिए, गैया को भी बचा लिए और उनके बछड़े को भी बचा लिए। यदि भगवान सहायता ना होते तो गैया नहीं बचती, गैया को शेर बाघ खा जाता। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।